हे गाइड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शिवर नाउ। सबसे पहले गुड आफ्टरनून। सो आपने इससे पहले वाला जो वीडियो था वो देखा आपने। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, बिकॉज वो एक मोटिवेशनल रिलेटेड एक अच्छा वीडियो है। सो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। सो आई होप सो आपको पिछला वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और साथ ही साथ गाइज, आज मैं मतलब आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने बैठा हूँ। तो गाइज, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारा मोटिवेशनल और पास्ट और ब्लॉगिंग, ये तीन पार्ट में हमारा जो वीडियो है वो डिवाइड होगा। उसके दिन भी मैंने बताए थे आपको, तो शायद दिन नहीं बताए थे, बस आपको शेड्यूल बताया था किस टाइप में होगा। तो गाइज, मंडे से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे पास्ट की जर्नी। वो मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, ये तीन दिन मेरे पास्ट की जर्नी होगी। अगर हो सके तो एक दिन में मैं दो वीडियो डालूंगा या फिर एक ही वीडियो होगा, और साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियोस रहेंगे उसके नेक्स्ट डे। और उसके बाद जो भी बचे कुछ दिन रहेंगे उसमें व्लॉगिंग होगी। तो गाइज, इस तरीके से हमारा ये शेड्यूल है। साथ ही साथ आज मैं कुछ स्पेशल मतलब मैंने पार्सल ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। एक्चुअली खाना वाना बनाने के लिए तो हर कोई बनाता है, शायद लड़के लोग मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर बैचलर में होते कोई लड़के तो शायद वो यूज़ करते सबसे ज़्यादा। तो ऐसे ही मैंने भी मतलब मेरे भी मतलब जो किचन में है वो मसाले वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए थे, और बहुत दिन से मैंने एक नाम सुना था, और शायद आप लोग उस मतलब पर्सन से परिचित भी होंगे। और मैं यहाँ पर किसी का मतलब किसी की बोलते ना उसको प्रमोशन या फिर कुछ ऑर्डर करने नहीं बैठा हूँ, बट हाँ मुझे पर्सनली अच्छा लगा तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो वो क्या चीज़ है इस बॉक्स में, वो आपको जब मैं खोलूँगा तब आपको पता चलेगा। सो गाइज, एक्चुअली ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, मसालों में इसे है, और उसके साथ साथ एक छोटा सा गिफ्ट भी आता है। सबसे पहले मैं आपको ये मसाले खोल के दिखाता हूँ। इसमें से मैंने दो मसाले एक्चुअली यूज़ किए कल ही, बिकॉज मुझे इसका टेस्ट भी लेना था, बिकॉज आपको बताना भी था, तो इसलिए मैंने इसको टेस्ट किया। तो गाइज, ये है, शायद आपको इनको जानते भी होंगे, मधुरा जी, मधुरा दीदी भी बोल सकते हैं, बिकॉज इनकी रेसिपीज़ वगैरह बहुत अच्छी होती है, और इनका मैंने प्रोडक्ट भी कल ऑनलाइन, सो मैंने इनका ऑर्डर भी ऑनलाइन परचेस किया। इजी है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और व्हाट्सएप पे भी शायद अवेलेबल है। एक्चुअली सच में मतलब टेस्ट में वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जो दुकान से मसाला लाते हैं वो तो हर कोई लाता है, बट अलग सा एक मतलब कोई न्यू फिर का मसाला टेस्ट करना था, बिकॉज इस मसाले के बारे में मैंने बहुत सारी चर्चा, और मेरे कुछ मतलब जो लेडीज़ फ्रेंड होती है उसने उन्होंने भी बहुत परचेस किया था, सो मैंने लगा कि मैं भी क्यों ना परचेस करूँ। सो इसलिए मतलब लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स भी परचेस करते हैं, सो इसलिए मैंने मसाला ऑर्डर किया। एक्चुअली एक बॉक्स में मुझे तीन पैकेट मिले, एक्चुअली गोड़ा मसाला है। सो इसे मुझे नहीं पता हिंदी में या फिर इंग्लिश में क्या बोलते, बट गोड़ा मसाला इसे मराठी में बोलते। साथ ही साथ इसको बेड़गी मिर्च मसाला बोल सकते, जो होती मतलब तीखे में कम और कलर में अच्छा होता है। और ये है कांदा लहसुन मसाला, जिसको हम प्याज और लहसुन मसाला भी बोल सकते हैं। एक्चुअली इस मसाले की मुझे बहुत ज़रूरत तब पड़ी थी जब मैं दिल्ली में था, बिकॉज दिल्ली में ये सब मसाले अवेलेबल नहीं होते, और मुझे वहाँ पर सच में मतलब एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि ये सारे महाराष्ट्रीयन मसाले हैं। सो इसलिए शायद ये मसाले सिर्फ महाराष्ट्र में ही परचेस किए जा सकते हैं या फिर दुकान में अवेलेबल होते हैं, स्टोर में, जनरल स्टोर में। और उसके साथ ही गाइज, मुझे इसमें एक और चीज़ मिली जो ये है, एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या है, मैं भी अभी तक खोला नहीं इसे। सो मैं आपके सामने ये खोलता हूँ, एक्चुअली क्या है मैं आपको पहले नज़दीक से दिखाता हूँ। इतनी छोटी सी चीज़ है, शायद आपको नहीं दिखाई दे होगी, एनीवेज मैं आपको खोल के दिखाता हूँ।
तो इस तरीके से इसका स्टिकर ये खोल लिया मैंने। बहुत पैकिंग करके इसको भेजा है कॉलेज। एक्चुअली गाइस मुझे गिफ्ट खोलने के लिए ना बहुत एक्साइटमेंट रहती है हमेशा, इसलिए मैं कभी देखता नहीं वो गिफ्ट कैसे खोल रहा है या फिर कुछ, बस देखने में फोकस कर लेता हूँ। सो गाइस ओहो मुझे ये मिला इसमें, हाँ इसको हम क्या बोलते हैं हमारे मराठी में, इसे उलत नहीं कहा जाता है, इसे शायद हिंदी में करछी बोलते होंगे, इंग्लिश में आई डोंट नो, बट अच्छा है राइस खाने के लिए। सो गाइज इस तरीके से ये मसाले आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। सो मतलब यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, और एक बात आपसे शेयर करनी है, अब फिलहाल मैं इसे साइड में रख देता हूँ। गाइज हम मतलब लाइव सेक्शन वैसे भी स्टार्ट हुआ है हमारा, तो इसलिए अभी लाइव भी आ सकते हैं हम। एक्चुअली उस दिन हम लाइव आए थे, बट फर्स्ट टाइम लाइव का था, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे लोग आते हैं या फिर कैसे चैट करते हैं और कैसे हम चैट रीड करके उनको जवाब दे सकते हैं, तो इस वजह से हमें कुछ आइडिया नहीं थी। बट उस दिन हमने अच्छे से देखा और फाइनली हमने मतलब अरुणी भी यही बोला था और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि गाइज अगर आप सच में लाइव पे अगर हमसे बात करना चाहते हो तो कोई स्पेशली हमें दिन बताइए, उस दिन में हम ज़रूर लाइव आएंगे आपसे बात करने के लिए। बट मैं आपके पास 5 दिन का टाइम देता हूँ, 5 दिन में आप ज़रूर बताना कि लाइव कब आना है और कितने बजे आना है, क्योंकि फर्स्ट लाइव होगा आपके साथ, तो इस वजह से फर्स्ट लाइव और फर्स्ट टाइमिंग वो आपके मुताबिक ही होगा, बिकॉज आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो। सो गाइज इस तरीके से मैंने वीडियो का शेड्यूल भी बताया कि मंडे से वेंसडे तक जो मेरे पास्ट रिलेटेड जो भी एपिसोड होंगे वो स्टार्ट होंगे, उसके बाद मंडे ट्यूसडे और वेंसडे ये रहेंगे मेरे पास्ट रिलेटेड डे, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे वो रहेंगे मोटिवेशनल वीडियो के लिए, और जो मतलब सैटरडे और संडे ये रहेगा व्लॉगिंग का। तो इस मतलब मंडे टू फ्राइडे तक इसमें आपको पूरे इस दिन में आपको डबल भी वीडियो आ सकती है, एक दिन में 2 वीडियो भी आ सकती है या फिर एक भी वीडियो आ सकती है, वो हमारे प्रिपरेशन के ऊपर रहेगा। बट आपको इस तरीके से मैंने शेड्यूल बता दिया, सो आई होप सो गाइज आप वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। सो गाइज मिलते हैं हम ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग एंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, आई मीन टू से दैट बी हैप्पी एंड एवरी डे स्माइल। बाय बाय।